धमधा विकासखंड एवं साजा विधानसभा के अंतिम ग्राम पोटिया में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये दोनों ही विद्यालय न केवल धमधा विकासखंड दुर्ग जिले बल्कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ आदर्श स्मार्ट विद्यालय के रूप में चिन्हांकित हैं। आज इन विद्यालयों के नाम से ही ग्राम पोटिया की पहचान है। वर्ष 2011 से यहाँ के शिक्षकों ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं एवं बच्चों के शैक्षिक मानसिक शारीरिक विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया था और आज विद्यालयों में हर वह सुविधा उपलब्ध है जो बच्चों के लिए आवश्यक होती है। फिर चाहे वह स्वच्छ प्रेरक परिसर हो, चाहे शौचालय व्यवस्था हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे बागवानी हो, बच्चों के खेलने के लिए शाला मैदान के साथ साथ यहाँ पर मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण के लिए स्मार्ट क्लास, मिनी थिएटर की उपलब्धता है। विद्यालय की आगामी कार्ययोजना के तहत यहाँ पर इंटरेक्टिव टच स्क्रीन पैनल लगाने की योजना है, जिसके लिए शिक्षकों के द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई है और समुदाय से भी राशि प्राप्त की जा रही है और जल्द ही इस योजना को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। विद्यालय में बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रत्येक शनिवार बैगलेस डे के दिन कई शैक्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें एक मिनट, कौन बनेगा 50 पति, क्विज टाइम, पांचवी पास से तेज जैसी स्पर्धाएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाता है जो सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, नियमित रूप से होमवर्क करके लाते हैं, साथ ही साथ जिनकी कम से कम शिकायतें आती हैं, और इन प्रतियोगिताओं के पश्चात उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ बैगलेस डे शनिवार को ही हमर पहुना कार्यक्रम चलाया गया है हमारे विद्यालय में, जिसके अंतर्गत समाज में सफल व्यक्तित्व, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो समाजसेवी हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे शासकीय सेवक हों, ऐसे सफल व्यक्तित्वों को बच्चों के साथ साक्षात्कार कराया जाता है और बच्चे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। साथ ही साथ ये सफल व्यक्तित्व अपने जीवन के संघर्षों से बच्चों को रूबरू कराते हैं और बच्चे इनके संघर्षों को से सीखते हुए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय समय के पश्चात संगी समूहों के सहयोग से और स्थानीय शिक्षक के प्रयास से नियमित रूप से 1 घंटे के लिए लोक सियानशाला चलाई जाती है, जिसमें ग्राम के बुजुर्ग लोग सम्मिलित होते हैं और बच्चों को संस्कृति की जानकारी देते हैं। रीति रिवाज, परंपराएं जो कि बच्चे भूलते जा रहे हैं, ये उनके माध्यम से बच्चों को प्रदाय की जाती है और साथ ही साथ एक उद्देश्य अहम ये है कि बच्चे बुजुर्गों के साथ फिर से जुड़ाव महसूस कर सकें। मैं जम्मन दिल्लीवार ग्राम पोटिया का निवासी हूँ। मैं हमारे प्राथमिक शाला और मिडिल शाला में 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरा एक, और दोनों का पढ़ाई पहले से बेहतर है और हमारा विद्यालय में नए नए शिक्षकों के द्वारा नए नए पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रमुख हमारे शाला परिवार में पवन सिंह सर, जो कि अपना बहुमूल्य समय, धन और साथ ही साथ ग्रामीणों का भी सहयोग हमारे शाला परिवार में। धन्यवाद, जय। नमस्कार, मैं जितेंद्र देशमुख वर्तमान में पूर्व माध्यमिक शाला विद्यालय ग्राम कोटिया का शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ। स्कूल के सर्वांगीण विकास की जहाँ तक बात आती है, तो यह स्कूल प्रारंभ से काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र के होने के कारण यहाँ व्यवस्थाओं की काफ़ी कमी थी और ना स्कूल में आहाता निर्माण हुआ था, न ही जितने आवश्यक भवन थे उनका निर्माण हो पाया था। वर्तमान में देखा जाए 2011 से लगभग इस स्कूल का जो कायाकल्प शुरू हुआ है वह आज सभी के देखने के लायक बन चुका है। पूर्व में ऐसी स्थिति नहीं थी और आज हमारे स्कूल के जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसे अधिकारी वर्गों का सहयोग और ग्रामीण जनों का सहयोग, दो तरह के लोगों से मिलजुल कर हमारे स्कूल में शिक्षक श्री पवन कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में
आज स्कूल जो नजर आ रहा है, लोगों को जो दिख रहा है, वो पूर्ण रूप से विकसित एक स्कूल जो है वो उसके दर्जे का स्कूल हमारा बन चुका है। और इस कार्य के लिए हम लगातार जो है जन सहयोग लेते रहते हैं। मुझसे पूर्व भी जो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य किया गया, जिसकी बदौलत आज ये स्कूल जो है काफी अच्छा लुक इस स्कूल का आया है। और पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों में भी हमने जो है अपना एक नया परचम लहराया है। जैसे बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं के साथ में स्कूल में विभिन्न क्रियाकलाप जैसे खेल है, खेल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस एक विद्यालय में होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे आयोजन बच्चों के लिए किया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज हमारा जो स्कूल है एक मॉडल स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे से काफी ऊंचा उठ चुका है।